कार्यक्रम में युवा साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रमेश बडोनी, जो कि भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कुछ जरूरी टिप्स, और ये सब बातें हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स के संबंध में करेंगे। बडोनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती सर। आज जैसे कि हमने विषय रखा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं या भरे जा चुके हैं, हम इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम है उनकी बात करें या मेडिकल के जो परीक्षा होनी है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही उपयुक्त समय है जब हम बात करें कि तैयारी कैसे की जाए, जी क्योंकि दो जी तरह के विद्यार्थी इस समय, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12वीं की परीक्षा अब देंगे और जी उसी के साथ साथ वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो जी इन दोनों के लिए क्या जरूरी टिप्स हैं? क्या ये समय उपयुक्त है कि जब हम अपनी तैयारी को एक गति प्रदान करें? जैसा कि हम सभी को पता है कि इस सीजन में कुछ पैटर्न भी भारत सरकार ने चेंज किए हैं कि किस तरह से आप जो है चिकित्सा सेवाओं में अगर जाना चाहते हैं तो किस तरह के एग्जाम में आपको अपियर होना है, और इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग सेवाओं में जाना चाहते हैं तो आपको किस तरह के एग्जाम में अपियर होना है। जैसे कि आपने खुद कहा है कि अभी ये बिल्कुल राइट समय है जब बच्चे इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अपियर हो रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। तो जहां तक रही बात इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, तो दोनों बिल्कुल पैटर्न वाइज डिफरेंट एग्जाम हैं। जहां तक रही मेडिकल एग्जाम में अपेयर होने वाले बच्चों की, तो उनको खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन सब्जेक्ट में तैयारी करनी होती है। और अगर हम फिजिक्स को लेके बात करेंगे तो फिजिक्स उनके लिए यहाँ पर एक स्ट्रांग सब्जेक्ट माना जाता है बजाय केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो यहाँ पर अगर वो बायो की तैयारी करते हैं तो इसमें ये देखना होगा कि बच्चा किस स्टेज में अभी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर वो पास कोर्स के लिए तैयारी करता है तो पास कोर्स बेसिकली उनका एक सेट करिकुलम है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पास होना होता है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम या आप ये कह लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो है क्वेश्चंस कम होते हैं। तो अगर उनको इस तरह के कोर्सेज में पढ़ाई करनी है तो डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनमें उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर बच्चे इसी समय जब पास कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसी दौरान वो चाहते हैं कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर दें, उसमें निकल जाएं, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि उनको कंटेंट को जो उसमें पूछा जाता है उस तरह के कुछ ड्रिलिंग देखनी होगी, या आप ये कह लीजिए उनको कुछ ऐसे पैटर्न उस करिकुलम को देखना होगा कि वो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो मेडिकल का भी अपना एक सेट फॉर्मेट है, उनका अपना एक सेट गाइडलाइंस है, और उनकी अपने जो है सिलेबस जो है किस तरह से उनको तैयारी करनी है उस तरह के भी पूरा उनका एक लेआउट तैयार रहता है, और वो हमें वेबसाइट पे मिल जाएगा या जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस समय डिटेल मिलती है। जी बडोनी साहब, हम फिजिक्स की बात करते हैं तो मेडिकल के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कठिन सब्जेक्ट है, जैसे आपने आरंभ में भी कहा, और इसमें अच्छे अंक लाना ये सुनिश्चित कर देता है कि आपका एडमिशन संभव है, और जो अच्छे सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें निश्चित तौर पर एडमिशन मिल जाता है यदि फिजिक्स में आपने अच्छा स्कोर किया है। तो फिजिक्स जी में अच्छे स्कोर करने के लिए क्या जरूरी टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने फिजिक्स की तैयारी अच्छे से की है, या आप एक इंटरेस्ट की बात मैं कहूँगा कि आप जब भी कोई एग्जाम दें तो आपका इंटरेस्ट जरूर उसमें होना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच में फर्क होगा, या आपका ब्रेन उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देगा। तो आप इसे एक तो फिजिक्स को बर्डन के तौर पे कभी ना लें। अगर आप इसे बर्डन के तौर पे लेंगे तो डेफिनेटली आपको पहले से ही माइंड सेट है कि यार फिजिक्स का पेपर टफ होता है, फिजिक्स में क्वेश्चंस टफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना होगा। मतलब वो जो हो हवा है कि फिजिक्स में ये आ जाएगा वो आता है, फिजिक्स ही टफ होता है, वो सब नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके कोच पे या आपके टीचर्स पे या आपके खुद के सोच पे भी। आपको खुद को मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को भी बच्चे को मोटिवेट करना है, और उसे टाइमली जो उसकी जरूरत है उसके लिए उसको हेल्प करना है। अब ये हेल्प कैसे हो सकती है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप खुद इस चीज को मान रहे हैं कि बच्चे जो है किस तरह से फिजिक्स को पढ़ेंगे, शायद कहीं ना कहीं आपके या मेरे दिमाग में भी इस सब्जेक्ट के प्रति एक फेयर है, तब जाके हम फिजिक्स को इस तरह से पूछ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं।
आज की डेट में कंटेंट की या रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं, आपको हर जगह पर रिसोर्स मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, और यहाँ तक कि मोबाइल एप्स, स्मार्टफोन में आप इतने सारे मोबाइल एप्स हैं कि जिसमें बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सिंपल लॉग इन करके अपनी प्रॉब्लम को लिखे और उसको विद इन 15 या 10 मिनट में प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। खुद IITians जो IIT कर चुके हैं या जो ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं अब्रॉड में या इंडिया में या कहीं पर भी, वो बच्चों की प्रॉब्लम को फ्री में सॉल्व कर रहे हैं। आपको सिर्फ प्रॉब्लम भेजनी है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको ऑडियो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो आपको किसी भी फ्री जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उनमें मिल जाएंगी, हमारी भारत सरकार की है जिसको स्वयं करके अभी हम बोलते हैं कि स्वयं वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। OER हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, वहां पर भी आपको फ्री कंटेंट मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। MIT है, MIT यूनिवर्सिटी है USA की, और वो पूरे कंटेंट्स, इवन हर सब्जेक्ट में पूरे कंटेंट्स को आपको देती है, और हर तरह के ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, इंटरैक्टिव, टाइमलाइंस, इंफोग्राफिक्स, यानी जिस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती हैं उस तरह का वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है फ्री में। उसके अलावा भी अगर आप एफर्ट कर सकते हैं या आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं तो ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो पेमेंट पे मिल सकते हैं, या बच्चे आजकल कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, ट्यूटोरियल्स में पढ़ रहे हैं। भले ही मैं इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा, बट क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज है, बच्चे के पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उसको ये सब भी अगर वो कर सकते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं जी बडोनी साहब। हाँ जी, इंजीनियरिंग में जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है IIT की परीक्षा है जी, इसके लिए एक चार्म है युवाओं में और युवा इसको क्रैक करना चाहते हैं। हाँ जी, तो उनके लिए कुछ सलाह आपकी? मैं आपकी इस बात को इस तरह से भी मान सकता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, तो सेवाएं कोई भी हो वो कहीं पर भी प्रतिस्पर्धा होती है। IIT का क्रेज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक ऐसी सेवा मानी गई है कि अपने आप में जिसको हम कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और ये बच्चे के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है, या हम ऐसा कहें कि अगर हमारी कोई वीकनेस है उस वीकनेस को अगर हम चैलेंज करते हैं तो शायद हम IIT का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम IIT को क्रैक कर देंगे तो शायद और अदर एग्जाम को भी क्रैक कर देंगे। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। IIT जैसे कि आपको पता है दो फेज में होता है, एक मेंस और एक एडवांस, दोनों ही डिफरेंट मोड हैं। एक में कॉन्सेप्चुअल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखते हैं और जो दूसरा जब एडवांस होता है तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जो एप्टीट्यूड है बच्चे का वो वहीं पर ज्यादा मायने रखता है कि आप कितने क्रिटिकल थिंकर हैं और कितने आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो परीक्षा को अगर आपको अपियर होना है या उस परीक्षा को क्लियर करना है तो बहुत सीधा है कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने तो सभी एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें भी आपको सबसे पहले चोकआउट करना होगा कि मेरे को कौन कौन से एरिया मेरे स्ट्रांग हैं। IIT में जो सेट करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें भी आपको एरिया चुनना पड़ेगा कि कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आप स्ट्रांग हैं। जो स्ट्रांग एरिया है उसको कभी टेक इट एज ग्रांटेड कभी ना लें, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपको फिर भी ड्रिलिंग करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन वहां इतना आपको एडवांटेज है कि अगर आपने एरिया सेलेक्ट कर लिए कि मैं इन इन एरियाज में अच्छे से कर सकता हूं, तो उन एरियाज को पहले चुन लें और ये देख लें कि उनसे लगभग कितने क्रेडिट का एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक काम वो करें। दूसरा, उसके बाद जो टफ एरिया है, जिन एरिया में आप कंफर्टेबल नहीं है, टफ का मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उन एरियाज को सेलेक्ट करने के बाद उन एरियाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करें, अपना टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेज करने के भी आपको तरीके ढूंढने होंगे कि मैं किस तरह से अपना टाइम मैनेज करूं और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने मेरा कितना टाइम जाता है। उसके लिए भी एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं कितने टाइम में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। वहां पर 180 मिनट का लगभग जो है टाइम अलॉट होता है, उस 180 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो 90 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, 30 30 30 हर सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको वो सॉल्व करने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स को मैंने ज्यादा टाइम देना है या बायो को देना है या आपको फिजिक्स को देना है या केमिस्ट्री को देना है। तो यहाँ पर बेसिकली IIT में तो तीन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 30 30 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं 90 क्वेश्चंस, उसमें आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैक्सिमम टाइम जो अभी तक एक तरह की स्टैटिक्स आई है कि फिजिक्स में ज्यादा टाइम जाता है,
तो उसका मेन कारण भी यह है कि फिजिक्स टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है, रीजनिंग बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है. तो यहाँ पर डे बाय डे नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से अपडेट भी होना है, टाइम के हिसाब से अपडेट होना है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो किस साइंस के पीछे थी. उसके पीछे हाइड्रो साइंस है या एविएशन है या मैरिन साइंस है या आपका ऑप्टिक्स है या थर्मोडायनेमिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है. तो ये आपको देखना होगा. अब वो उसका देखने का भी तरीका बड़ा सिंपल है कि हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे लास्ट ईयर की सीरीज हैं उन सीरीज को देखें कि लेटेस्ट उनमें कौन सा एरिया ज्यादा कवर हुआ है. फिर जो मॉक टेस्ट है जो सीबीएसई जेईई के लिए स्पेशली कराता रहता है उनको हम देखें. कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो आज इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक तरह से मदद कर रही हैं, उनके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और टीचर्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इवन स्कूल टीचर्स भी और आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं. जैसे आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली है, कानपुर है, इन्होंने भी ऑनलाइन कोर्सेज आईआईटी में अपेयर होने के लिए तैयार किए हैं जिनकी मदद बच्चा जो है समय समय पे ले सकते हैं. तो अंत में क्या कहना चाहेंगे कि परीक्षाओं को हुआ ना माने, उसके प्रति बहुत एक डर का माहौल नहीं होना चाहिए और हम ये लेकर चलें कि पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ और इंटरेस्ट यदि होगा जैसे आपने कहा जी तो जी जी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है. मेरा जो सुझाव है सर वो ये है कि एक तो हम मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, टाइम मैनेजमेंट करना हमें आता हो. अगर हमें नहीं आता है तो हम सीखें, इसको हम सीखें और समय से पहले तैयार रहें इस चीज के लिए कि मेरा आईआईटी का एग्जाम है तो उसके लिए टाइमली तैयारी शुरू कर दें. 2 साल से कम ये तैयारी शुरू होनी चाहिए. अगर हम लगातार 2 साल कठिन परिश्रम करेंगे तो डेफिनेटली आईआईटी का एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं. और जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करें उसके लिए भी आपको रिसोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए. मान लीजिए कुछ बच्चे वीडियो लेसन से जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो विजुअल होते हैं, तो जो विजुअल से सीखते हैं उन्हें वीडियो ज्यादा देखना चाहिए. जो ऑडियो से अच्छे से समझ सकते हैं वो ऑडियो यूज करें, इसलिए क्योंकि कई बार वीडियो हमारा जो सोचने का तरीका है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उस समय ऑडियो की आप हेल्प ले सकते हैं. बाय द वे ऑडियो और वीडियो आपको हेल्प करने के बाद भी आपको कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है तो टेक्स्ट, इमेज, इन्फोग्राफिक्स जो मैं नाम बता रहा हूँ ये सारे रिसोर्सेज हैं. इन रिसोर्सेज को यूज करें और अपना जो रिक्रिएशन का टाइम है थोड़ा सा कट शॉर्ट करें क्योंकि बच्चे आजकल वीडियो गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं या सोशल मीडिया में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं 11th 12th में आने के बाद. तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और बच्चों को खुद को भी थोड़ा सा इस लाइन से थोड़ा उनका टाइम उनको कम करना होगा क्योंकि वहां अगर वो टाइम जाया करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ उनका जो बड़ा लॉस हो सकता है जी. तो हम कह सकते हैं कि समय भी एक संसाधन है, उसका भी बहुत सही उपयोग हमें करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो रमेश बडोनी जी, आज आप स्टूडियोज में आए, आपने हमारे साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो अब होने वाली हैं खास तौर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की, जिसमें कि आपने नीट और आईआईटी की परीक्षाओं की बात की, मैं वो सफलता चाहते हैं तो कौन से जरूरी टिप्स हैं वो आपने दिए स्टूडियोज में.